अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। हमने आपको सुबह विजुअल्स दिखाए थे कि किस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर में जो है वो एस्पिरेंट जा रहे हैं। VLW का पंचायत सेक्रेटरी का जो है यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा था। अभी जो है वो लड़के यहाँ से बाहर आ रहे हैं, निकल के हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह के जो है वो पेपर हुए उनके। आपका पेपर था कैसा हुआ? अच्छा हुआ। किस तरह का पेपर आया था? 900 हार्ड, 900 इजी। अच्छा, ठीक पेपर था। तो आपने कितने अटेम्प्ट किए, क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो है, हो सकता है, निकल सकता है, देखते हैं, फॉर द बेस्ट। कितना कट ऑफ होगा? अबो 90 हो जाएगा इसमें। अच्छा, अबो 90 हो जाएगा। पेपर आसान था, ठीक है। आप देख रहे हैं इस वक्त हम बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर है। यहाँ पर भी जो है काफ़ी लोग जो है वो पेपर देने के लिए जो है वो गए हैं। इस वक्त जो है वो पेपर ख़त्म हो चुका है और सब लोग बाहर आ रहे हैं। काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद थे, फ़ोन कोई नहीं ले सकता था। स्टाफ और जो भी एग्ज़ाम ड्यूटी पे था उसको भी जो है पहले ही स्क्रूटिनाइज किया गया था। सिक्योरिटी जो है वो बाहर से पूरी स्ट्रेंथन थी। जैमर्स भी कुछ जगह लगाए गए थे ताकि इंटरनेट ना चल सके। इस वक्त हम बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में के बाहर हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो एस्पिरेंट्स है 4200 से भी ज़्यादा लोग जो है वो उन्होंने अप्लाई किया है। अनअप्लाइड यूथ्स ने जो पोस्टें निकली हैं VLW पंचायत सेक्रेटरी की, हम इस वीडियो के ज़रिए जो नौजवान लोग जिन्होंने इसमें एग्ज़ाम दिया आज अपीयर हुए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो किसी भी मिडल मैन या कोई ऐसा टॉट जो उनको ये बोले कि आप पैसे दे दो, हमें आपका पेपर क्वालिफाई कराएंगे, आपको पास करवाएंगे, उन चीज़ों से जो है वो आप दूर रहे। इस तरह का कोई भी जो है वो एक सरासर जो है वो फ्रॉड है या किसी के बहकावे में ना आए। और हम उम्मीद करेंगे कि SSRB जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो इस रिज़ल्ट को जो है वो डिक्लेयर करेगा। आज आप इस वक्त हम बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर खड़े हैं और ये विजुअल्स आप देख रहे हो किश्तवाड़ के। यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर था, काफ़ी लोग जो है वो खुश होकर बाहर आ रहे हैं और कुछ लोगों के चेहरे जो है वो मायूस भी हमें दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जॉब एस्पिरेंट है जिन्होंने अप्लाई किया था जो एग्ज़ाम, कैसा पेपर रहा आपका? बढ़िया। किस तरह का पेपर आया था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे? मतलब किस नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, मतलब किस किस सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन? सभी सब्जेक्ट के थे। सभी सब्जेक्ट के थे। तो आप सेटिस्फाई हो पेपर से? जी। क्योंकि JKSS-12 को भी जो है वो पहले काफ़ी खामियां थी, उनको दूर किया है और अब जो ये एग्ज़ाम है ये प्योर हो रहा है। और जितनी भी पहले खामियां थी जो पिछले हमने देखा था, कुछ रिक्रूटमेंट्स को लेकर जो सवाल उठे थे, अब वो चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन की जा रही हैं और इस एग्ज़ाम को जो है बेहतर तरीके से जो है वो कंडक्ट किया गया। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि कोई भी एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो 100% जो है वो नहीं रहता है सिक्योर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती रहती है। लेकिन कुछ गलतियां जो है वो जानबूझकर की जाती हैं और कुछ गलतियां जो है वो हो जाती है, लेकिन इस बार कोई भी गलती जो है वो जानबूझकर नहीं की गई। इस वक्त तो पुलिस जो है वो यहाँ पर एक्टिव काफ़ी हो चुकी है और जो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, जो बच्चे जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया था वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। 1100 से भी ज़्यादा पोस्टें पूरे जम्मू कश्मीर में हैं RDD डिपार्टमेंट में। जो पंचायत सेक्रेटरी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, हम देख रहे हैं कि जितने भी आजकल स्कीमें आती हैं वो RDD डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। और जो पंचायत सेक्रेटरी है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट है RDD डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो भी स्कीमें गवर्नमेंट की है वो पंचायत लेवल पर जो है वो एक्टिवेट हो रही है। अब आप देख सकते हो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मोबाइल कलेक्ट कर रहे हैं और अब जो अपने उनके घर के रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनका कैसा पेपर हुआ और किस तरह के एक्सपीरियंस रहे। मैं फिर से
एक बार सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किसी मिडल मैन के बहकावे में ना आए। अगर आपको कोई पैसे मांगता है, आपकी सिलेक्शन होगी, ये बिल्कुल सरासर जो है वो आपके साथ फ्रॉड होगा। इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि जहां पर इस तरह के एग्ज़ाम्स में जो है वो आपको मदद की जाए। अगर आपको कोई इस तरह का पैसा डिमांड करता है या वो बताता है आपको कि आप पैसे दे दीजिए, हम आपको जो है वो सेलेक्ट करवाएंगे, फौरी तौर पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में, पुलिस की नोटिस में और JKSSRB की नोटिस में जो है उन लोगों के नाम लाए। ये विजुअल्स इस वक्त आप देख रहे हो बाईस हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर, इसमें पुलिस का योगदान जो है वो बहुत ज़्यादा है। SSP किश्तवाड़ जो है वो खुद मौजूद थे एग्जामिनेशन सेंटर में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ADDC हमारे श्यामलाल जी जो है वो ओवरऑल हेड थे। ACR वरुण चारक वो खुद मौजूद थे सेंटर्स पे, इंस्पेक्शन कर रहे थे, हर चीज़ को जो है वो देखा जा रहा था। आप देख रहे हो यहाँ पर किस तरह से जो है वो जो नौजवान लोग हैं जिन्होंने इस पेपर जो इस पेपर के लिए अपीयर हुए थे वो बाहर निकल रहे हैं। एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है और एक दूसरे को जो है वो बधाइयां दे रहे हैं और एक दूसरे को पूछ रहे हैं दोस्त कि किस तरह का जो है वो उनका पेपर हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिस्कशन हो रही है कि किस तरह का पेपर हुआ। अभी बहुत जल्द उम्मीद है कि आंसर कीज़ भी जो है वो आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर थे, क्वेश्चंस भी थे, रीजनिंग थे, बाकी जो किस तरह का पेपर था हमने अभी उस पर फोकस नहीं किया, लेकिन जो हमें बताया गया कि पेपर जो है वो अच्छा था। आप देखें पेपर ख़त्म होने के बाद जो आप पुलिस ने यहाँ पर सिस्टम लगाया था चेकिंग का, सिक्योरिटी का, उसको जो है वो अब वाइंड अप किया जा रहा है। मैं ये मुबारकबादी जो है वो किश्तवाड़ पुलिस को, पुलिस किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूँ और उन लोगों को देता हूँ जिन लोगों ने जो है इसमें हिस्सा लिया। अभी अंदर जो है वो पेपर सील हो रहे हैं, फिर सीलिंग के बाद जो है उनको डिपॉज़िट किया जाता है। अब वो पुलिस स्टेशन में डिपॉज़िट होंगे या पोस्ट ऑफिस में डिपॉज़िट होंगे वो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो अब क्लोजिंग पर जो है ये चीज़ें आ रही हैं। आप देख रहे थे कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि कोई भी जो है वो फ़ोन ऑन नहीं करेगा जब तक कि ये सिस्टम जो है वो क्लोज्ड अप पूरी तरह से ना हो। यानी कि पुलिस के लिए भी सीनियर ऑफिशियल्स की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो पुलिस पर्सनल ऑन ड्यूटी अंदर थे उनको भी जो है वो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उनसे ले लिए गए थे और सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स ने ये इंश्योर किया था कि किसी भी तरह का कोई भी ब्लेम जो है वो ना आए और जो जो इन चीज़ों में जो होलोगनिज्म करते हैं, यानी कि जो लोग अननेसेसरी सवालात उठाते हैं, उन एलिमेंट्स को जो है वो कोई मौका ना मिले। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से आजकल प्रोपागंडा चलता है, ख़ासतौर पर उन लोगों की तरफ से जो लोग तैयार नहीं होते हैं इस तरह के एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ लबकुशाई के लिए वो फार्म भरते हैं या फिर अगर निकल भी जाए फिर आगे के प्रोसेस को जो है उनको जब दिखता है कि वो शायद उसमें फेल हो जाएं, वो लोग जो है वो प्रोपागंडा और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन शुरू करते हैं। आप देखिए ये विजुअल किस तरह से जो है वो जो लोग जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो निकल कर आ रहे हैं और अब अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।